महेश जी ने आपकी क्लास ली थी थोड़े, तो उसके बारे में कुछ बताइए। क्लास ली थी, वही एक जो वाक्या हुआ, किस्सा हुआ घर में, किशोर और उषा जी का जो भी कुछ झगड़ा हुआ, मतलब शुरुआत तो मतलब मस्करी से शुरू हुई थी जिसकी कुस्करी हो गई बाद में। तो वहाँ पे शायद मुझे ये लग रहा था कि जिन उषा नाडकर्णी को मैं जानता हूँ सालों से, उनको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद एक बहुत ही स्ट्रांग लेडी है, जो अटैकिंग है नेचर उनका, जो बहुत डोमिनेटिंग है, और जिनके पास गालियों का भंडार है और वो अगर चप्पल निकाल लेती तो मामला कब का सुलझ जाता। किशोर उनके लिए तो कुछ था ही नहीं, मतलब बड़े बड़े लोगों को उन्होंने सीधा किया है। लेकिन न जाने क्यों, जो हमेशा महेश जी भी कहते कि उषा तय तुमचे तलवार कोठे आए, आपने कहाँ पे छुपा के रखी है। मुझे उस दिन लग रहा था कि अब तो तलवार निकलेगी बाहर और वो खात्मा कर देगी किशोर का, लेकिन तलवार तो निकली नहीं। और तलवार निकलने के चक्कर में मैंने कुछ स्टैंड नहीं लिया और फिर मेरी स्कूल लग गई। तो हम इसका मतलब ये समझे कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से उदास है कि आप कुछ नहीं कर पाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कुछ करना चाहिए था। लेकिन मैंने पहले भी ये कहा था कि अगर उषा तय की जगह कुछ दूसरी औरत होती, सुलोचना दीदी होती या फिर निरूपा रॉय होती, तो ज़रूर मैं पहली गाली पे उठ खड़ा होता और कुछ मुकाबला करता, कुछ स्टैंड लेता। लेकिन चूंकि वहाँ पे उषा तय थी तो मुझे ये उम्मीद थी कि वो खुद उसका सामना करेगी डट के और उसको चप्पल मार के घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन कुछ उल्टा ही हुआ, वो तो डर गई और ये कहने लगी मुझे तो बहुत डर लगता है, मेरा बीपी हाई हो जाता है, शुगर डाउन हो जाती है, मैं सह नहीं पाती हूँ। तो ये क्या मतलब ड्रामा, कुछ समझ में नहीं आया।